तो दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड वेलकम बैक टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्रिपरेशन भी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। अक्टूबर की मैगजीन में आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है, साइंस टेक हम कवर कर रहे हैं इसमें, और शॉर्ट न्यूज और एक ये मॉम मिशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अक्टूबर की मैगजीन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर कल से हम नवम्बर की मैगजीन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरी मैगजीन को अच्छे से हम कवर करते चलेंगे। कमेंट सेक्शन में कल देख रहा था, अभी एक दो दिन से लेक्चर थोड़ा नहीं आ पाया ये वाला, तो मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था, तो उसमें आप एस्पिरेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर वो मैगजीन कवर हो जाएगी क्या, मतलब कवर कर दीजिए, अभी नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, जनवरी। तो नवंबर की मैगजीन अभी आई हुई है, दिसंबर मैगजीन अभी नहीं आई है विजन की, तो नवंबर की मैगजीन हम कवर कर लेंगे। बाकी एग्जाम से पहले मैं आपका PT 365 के साथ आपकी मैगजीन पूरी कवर कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, रेगुलरिटी के साथ लेक्चर आया करेंगे, तो बस एक दो दिन मैं बाहर था, इस वजह से एक दो दिन गैप हो गया लेक्चर में, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं लेक्चर कवर करूंगा। और मैंने जो पोल कराया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, मैंने पोल कराया है कि आप लोग माइंड मैप के थ्रू समझना चाहेंगे, तो जो नवंबर की मैगजीन है उसमें हम इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं कि मैं टॉपिक रखूंगा विजन की मैगजीन से, और उसे कोशिश करेंगे हम कि माइंड मैप के थ्रू समझें। उसमें आपको बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा समझने में, पूरी एक कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इजीएस्ट वे में आप समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो ये मॉम जो मिशन है ना, ये अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है, चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो अंतरिक्ष यान है मॉम मिशन का, उसका ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया, इस वजह से ये चर्चा में है। और ये मॉम मिशन क्या है आप लोगों को, आपने सबको अच्छे से पता होगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन है ये, मंगलयान के बारे में, मिशन मंगलयान, अपने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी है ना, तो उसमें आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या है ये, वरना आप देख लेना मूवी किसी दिन संडे वनडे को टाइम निकाल के, मिशन मंगलयान अक्षय कुमार की। इसके अलावा देखिए इसका जो उद्देश्य है ना, मार्स ऑर्बिटर के मिशन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य है कि स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों का यूज करके जो मंगल ग्रह है उसकी सतह की जो विशेषताएं हैं, मंगल ग्रह की सतह की जो विशेषताएं हैं, वहां पर खनिज और वायुमंडल के बारे में पता लगाया जाए, ये इसकी उद्देश्य है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को लेकर जो इस मिशन की योजना है वो डिजाइन की है, मैनेजमेंट की है, उसके संचालन की है, उसके यूज में होने वाली जो आवश्यक टेक्निक्स हैं उनके विकास में सहायता मिलेगी, ये चीज इसमें बोली गई है। ठीक है जी, अब अगर हम मंगलयान के बारे में देखें तो 5 नवंबर 2013 को PSLV C25 के जरिए इसे भेजा गया, प्रक्षेपित किया गया, और 450 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई। ये जो है ना, पहले प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कराया गया इसे सफलतापूर्वक, और ये भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। इसके जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद, इस मिशन के प्रक्षेपण के बाद भारत जो है रशिया के रूस रॉसकॉस्मोस, अमेरिका नासा, यूरोपीय संघ की जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके बाद मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश भारत बन गया था। और इसके अलावा भारत जो है मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश, इसमें 850 किलोग्राम ईंधन और 5 विज्ञान पेलोड्स अपने साथ ले गया था ये, जैसे एक मास कलर कैमरा हो गया, लाइनमैन अल्फा फोटोमीटर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, इसके अलावा मास एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, मीथेन सेंसर। और ये क्या है इसके बारे में आप डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और इसको जो ट्रैक किया जाता है वो किया जाता है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क द्वारा। ये कहाँ पर है, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, ये बैंगलोर के पास है। ठीक है, इसके जो इससे रिलेटेड जो नासा है, JPL के डीप स्पेस नेटवर्क के साथ भी सहायता ली जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस है बेहतर टेक्नोलॉजी क्षमता, यानी लगातार और किफायती अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा में प्रगति हुई है। ठीक है, अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि राष्ट्रीय हितों के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक प्रयोग तथा उसमें सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए भारत की जो भविष्य की क्षमता है उसको ये बढ़ाएगा, रोजगार के अवसर सृजित करेगा, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी यानी कि चुनौतीपूर्ण और शांतिपूर्ण टारगेट्स को साझा करने के माध्यम से या अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को मजबूत करेगा। तो ये सारी चीजें इसमें मॉम मिशन में है। ठीक है, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए शॉर्ट न्यूज है, जैसे कॉमर्शियल 5G सर्विस यानी 4G नेटवर्क के बाद जो है अगली पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क टेक्निक है ये, और ये टेक्निक नहीं कई तकनीकों का समुच्चय है। इसमें शामिल है MIMO सक्षम नेटवर्क, स्मॉल सेल स्टेशन, मोबाइल एज कंप्यूटिंग, बीम फोर्सिंग, ठीक
है, ये सारी चीजें। अब ये स्मॉल सेल स्टेशन क्या है, ये बेस स्टेशन और उपयोगकर्ताओं को बिना बाधा के जोड़ता है, ठीक है। मोबाइल एज कंप्यूटिंग, ये कंप्यूटर कंप्यूट ये क्लाउड कंप्यूटिंग को जो है उपयोगकर्ता के पास लाती है। इसके अलावा बीम फोर्सिंग, ये ट्रांसमिटिंग इकाई और उपयोगकर्ता के बीच एक लेजर बीम की तरह काम करता है, ये सारी चीजें इसमें है। फिर आता है आपका ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। ये विश्व आर्थिक मंच ने अपने ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में 3 कंपनियों को शामिल करने की घोषणा की है। कौन सा? सिप्ला की इंदौर, ओरल सॉलिड डोसेस, फिर हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, और चेन्नई में श्री सिटी स्थित मॉन्डेलिस मॉन्डेलिस। ये सारी चीजें हैं। 100 से अधिक विनिर्माताओं का ये समुदाय है। इसके अलावा आता है आपका LVM3M2 मिशन। ये क्या है? ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIIL का एक व्यावसायिक उपग्रह मिशन था ये। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, और ये उभरते वैश्विक व्यावसायिक लघु उपग्रह प्रक्षेपण सेवा बाजार की मांग को भी ये पूरा कर रहा है। और प्रक्षेपण यान के बारे में अगर हम बताएं तो इसे पहले जो है भूतुल्यकाली प्रक्षेपण यान यानी मार्क 3 GSLV-MK3 कहा जाता था, ठीक है। 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसकी जो वहन क्षमता है वो पृथ्वी की लो ऑर्बिट यानी LEO के लिए 8 टन और भूतुल्यकाली जो अंतरिक्ष कक्षा GTO के लिए 4 टन तक है, ठीक है। ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV के बाद वैश्विक बाजार के लिए इसरो का सेकेंड रॉकेट है। चंद्रयान 2 सहित 4 मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है। इसके अलावा वंदेव आता है, ये जो है भारतीय एंटरप्राइज और यूनाइटेड किंगडम सरकार के बीच एक उद्यम है, संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट उद्यम है ये, ठीक है। फिर आते हैं आपके संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अभी इसके संचालन को 50 साल पूरे हुए हैं, और ये टेलीस्कोप जो है आर्यभट्ट प्रक्षेपण यानी आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में नैनीताल उत्तराखंड में है। नैनीताल इसकी मनोरा चोटी पर ये स्थित है। इसके अलावा एरीज प्रेक्षण मूलक खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञता रखता है, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका आंशिक सूर्य ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, मतलब पूरा है कि आंशिक सूर्य ग्रहण कब होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, आंशिक वलयाकार मिश्रित कब होता है। तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो जाता तो पूर्ण हो गया, आंशिक हो गया। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, वलयाकार चंद्रमा पृथ्वी सबसे दूर होता है, और मिश्रित सूर्य ग्रहण में ये एक वक्रीय है, और उसमें चंद्रमा की जो छाया जो अलग अलग समय में जो है पूरी पृथ्वी पर पड़ती है। इसके बाद आपका धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। देखिए इसको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने डेवलप किया है, और उसमें 2 एलियन बाह्य जीन्स को शामिल किया है। इन जीन्स को जो है बैसिलस इमाइलो लिफेशियंस नाम के जो मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु उनसे लिया गया है। इसमें जो है सरसों की जो पूर्वी यूरोपीय किस्म है अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट और भारतीय किस्म वरुण, इनके मध्य क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप किया है। इसमें शामिल है बार्नेज नाम का पहला जीन प्रोटीन का निर्माण करता है, दूसरा बारसा नाम के जो दूसरे जीन द्वारा पादप की नरजनन क्षमता को पुनः स्थापित किया था। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट के बारे में। देखिए भारत की जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, ये विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की एबीपी संगोष्ठी के 3rd संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। एबीपी एक डोपिंग रोधी साधन है, और ये डोपिंग पदार्थ की विधि का पता नहीं लगाता है, ठीक है। ये किसी भी अवधि में डोपिंग के प्रभावों को प्रकट करने के लिए चयनित जैविक घटकों की निगरानी करता है। ये टारगेट परीक्षण और विश्लेषण और जांच अवरोध के लिए डोपिंग के खिलाफ काम करता है, और ये अप्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में भी काम करता है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए इस वाले लेक्चर में थोड़ा ठीक से ये प्रिपेयर नहीं हो पाया है, तो थोड़ा हो सकता है आपको समझने में कठिनाई हो रही हो, लेकिन हम कवर करेंगे इसको कवर कर लेंगे अगली मैगजीन्स में, अगली लेक्चर्स में। आप टेंशन मत लेना, ये टॉपिक्स जो हैं बाकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इसके पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं, और मैं अगली वीडियोस में इनको कवर करके चलूंगा अच्छे से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिए, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं और भी इस तरह की वीडियोज लाता रहूंगा। सो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।